हेलो फ्रेंड्स, आपको ये प्लांट याद होगा। मेरे तुलसी के केयर एंड इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो में आप इस प्लांट को देख सकते हैं। उस वीडियो में ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी और घना था। उस वक्त ये 1-1.5 साल के करीब था। अब जब 2 साल से ऊपर इसकी एज होने लगी है, ये सोचकर मैंने इसे 1 महीने पहले पूरी तरह से प्रून कर दिया था। इसे ही नहीं, मेरे और भी बहुत सारे तुलसी के प्लांट्स थे जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे और आधे तो डेड होने की तैयारी में थे। मैंने उन्हें भी निकाल दिया और कुछ फ्रेश प्लांट्स के साथ मैंने अपने कंटेनर्स को फिल कर दिया। इस वक्त आप जो देख रहे हैं कि मैं सीज़र की मदद से इसे कट कर रही हूँ, मैं इसे प्रून कर रही हूँ। तुलसी के ऊपर जो उसकी मंजरी होती है, मतलब जहाँ पर उसके फ्लावर्स लगते हैं और देन जो सीड पॉट रेडी होता है, उस एरिया को मंजरी कहते हैं। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि तुलसी को प्रूनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इस प्लांट को घना और बुशी बनाना चाहते हैं तो इसकी बार बार प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि ये बहुत ज़्यादा घना और हेल्दी बने। आप इस वक्त देख रहे हैं मैं अपने प्लांट की सभी मंजरी को कट करने वाली हूँ। सभी छोटी बड़ी सभी मंजरी को मैं कट कर दूँगी और कुछ दिनों बाद ये प्लांट और ज़्यादा घना हो जाएगा। अब जहाँ से कट करते हैं वहाँ से अगेन 2 से 3 नई स्टेम्स निकलना शुरू हो जाती है। तुलसी पे जितनी ज़्यादा देर मंजरी बनी रहती है, उसके फ्लावर्स आने देना और उसके सीड रेडी होने देने की प्रोसेस तक, तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता और वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। एक बार मंजरी आने के बाद उसे कट करना बेहद ज़रूरी होता है प्लांट की हेल्थ के लिए। इस वक्त आप इस प्लांट के ये देखिए, मैंने पूरी की पूरी मंजरी हटा दी है। इस वक्त आप प्लांट कितना घना है ये देख सकते हैं। लगभग मैंने टोटल सभी मंजरियाँ हटा दी हैं और अब धीरे धीरे इसकी न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट धीरे धीरे और ज़्यादा घना होता जाएगा। सो गाइस, 10 से 15 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर एक ब्रांच दोगुनी चौगुनी हो गई है और प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो गया है। यानी अब अगेन ये इसी कंडीशन में पहुँच गया है कि मैं इसे फिर से प्रून कर दूं, और अगर मैंने इसे फिर से प्रून किया तो ये और ज़्यादा घना हो जाएगा। मेरे तुलसी के प्लांट को की मंजरी कट करने के बाद मैंने इसमें एक मुट्ठी गोबर खाद को 1 मग्गा पानी में घोलकर खाद और पानी के साथ ही इन पौधों में डाल दिया था। इसके अलावा मैंने और कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया। सिंपल गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगेन ये फिर से नए नए बर्ड्स रिलीज़ कर रहा है और मेरे तुलसी के प्लांट पूरा दिन धूप में रहते हैं। जितने दिन की धूप होती है पूरे दिन की धूप इन पर पड़ती है और उस वजह से ये काफ़ी हेल्दी हैं। इस कंटेनर में जो तुलसी लगी हुई है उसके शूट्स अभी छोटे हैं, ड्रम की तुलसी के मुकाबले इतने ज़्यादा घने नहीं हुए हैं, बट इसमें शूट्स आना, बर्ड्स, नए नए फ्लावर बर्ड्स बनने चालू हो गए हैं। ये देखिए साइड से छोटे छोटे शूट्स निकल रहे हैं, कुछ मंजरी बन रही हैं, शुरुआती दौर में हैं। आप इन्हें चाहें तो, अगर सीड न बनाना चाहें तो पहले भी कट कर सकते हैं और अपने प्लांट की हेल्थ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। सो गाइज, ये मेरा वीडियो था तुलसी की प्रूनिंग पर। उसे घना बनाने के लिए समय समय पर उसे प्रून करना बेहद ज़रूरी होता है। मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए